व्यवस्था हो जाए, उसके बाद अगर जीवन बचा है तो पूर्ण संन्यास लेकर के आत्मानुसंधान करते हुए अपने मरण को संवार लो, यही मानव जीवन को धन्य करने का उपाय है। और इस क्रम से अगर आपने अपने मानव जीवन में कार्य नहीं किया तो कोई भी उपलब्धि नहीं मिलेगी। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथम अवस्था में जिसने विद्या नहीं पढ़ी वो दूसरी अवस्था में विद्या नहीं पढ़ सकता। 25 वर्ष के बाद पढ़ाई नहीं होती, उसके पहले जितना पढ़ना है पढ़ लो। प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितम धनम, और 25 वर्ष से 50 वर्ष तक धन कमाओ, घर गृहस्थी का विस्तार कर लो। अगर ये काम आपने समय से नहीं किया, 50 पार कर गए, बोले अब धन कमाने की उम्र नहीं रही, अब तो तपस्या की उम्र आ गई। तृतीये न तपस्तप्तम, और तीसरी अवस्था प्राप्त करके तपस्या साधना भगवान का भजन नहीं किया तो चतुर्थे किम करिष्यति, चौथी अवस्था में क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बिस्तर पे पड़े पड़े केवल करवट बदलोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लोग सोचते हैं कि पहले तो खूब धन कमा लें, नाम कर लें, फिर तो राम ही राम करेंगे। एक महात्मा कहते थे कि हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, बोले फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, लेकिन उस एक दिन के भरोसे न रहना। वो एक दिन तुम्हारे जीवन में आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन हम यही सोचते रहते हैं पहले साहब दुनिया का काम कर लें फिर तो भजन ही करेंगे। और कितने लोगों की तो ये सोच होती है कि भजन पूजन कथा सत्संग तो बुढ़ापे में किया जाता है, लेकिन मैं बताऊं बुढ़ापे में भजन नहीं होता, जवानी में और स्वस्थ शरीर से किए हुए भजन का केवल स्मरण होता है बुढ़ापे में। बुढ़ापे में ना आप भगवान की पूजा कर पाओगे, न तीर्थ कर पाओगे, अनेक प्रकार की बीमारी हो जाएगी, व्रत अनुष्ठान भी नहीं होगा, 4 घंटे 8 घंटे बैठ करके कोई साधना भी नहीं कर सकते, तो बुढ़ापे में क्या होगा। जो काम आपने जवानी में स्वस्थ शरीर से कर लिया उसी का केवल बुढ़ापे में स्मरण किया जाता है। इसीलिए प्रहलाद जी महाराज असुर बालकों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, कुमार अवस्था से ही, अल्प अवस्था से ही भागवत धर्म का, वैष्णव भक्ति का, धर्म का अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। कौमारादाचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, क्यों, बोले हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति मूर्ख है। क्यों, बोले बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। दुर्लभम मानुषम जन्म, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तदप्यध्रुवमर्थदम, और दुर्लभ होते हुए अध्रुव है, कब समाप्त हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए बुढ़ापे में भजन करेंगे, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं। वो तो उसी प्रकार से है कि जैसे किसी व्यक्ति के घर में आग लग गई, जब आग लगी तो उस व्यक्ति ने क्या किया, बोले फावड़ा लेकर के थोड़ी दूर जाकर के खोदने लगा। लोगों ने कहा भैया तुम्हारे घर में आग लगी है और तुम फावड़ा लेकर के ये मिट्टी खोद रहे हो, क्या कर रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा अरे जानते नहीं हो हम कुआं खोद रहे हैं, कुआं खोदेंगे पानी निकलेगा फिर घर बुझाएंगे। देखने वाले व्यक्ति ने कहा तुम तो बहुत बड़े मूढ़ हो, जब तक तुम्हारा कुआं खुद करके तैयार होगा तब तक तो घर नष्ट हो जाएगा। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा,
जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा दूर है, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे दरा आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यं प्रयत्नो महान। तब तक बुद्धिमान प्राणी को अपने कल्याण का कोई प्रयत्न कर लेना चाहिए। और अगर ये सोचता है कि बुढ़ापे में करेंगे तो क्या दशा होगी? आचार्य कहते हैं कि प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशः। प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम, घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना जिस प्रकार मूर्खता है, उस प्रकार की मूर्खता हो जाएगी। इसलिए समय से सारे कार्य को हम जीवन में संपादित करें, तभी हम अपने मानव जीवन के समय को सार्थक कर पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। मनु जी महाराज ने अपने चरित्र से यही उपदेश दिया। युवावस्था में उन्होंने राज्य का संचालन किया, संतान को उत्पन्न किया, और जब तीसरी अवस्था आई तो सब कुछ छोड़कर जंगल जाने को तैयार हो गए। लेकिन मन जंगल जाने को तैयार नहीं। बुद्धि तो कह रही है मनु अब तुम जंगल चलो, लेकिन मन कहता है नहीं, अभी थोड़ा और राज करो। करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन मनु जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। चौथी अवस्था आ गई, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, संसार का सुख छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग। हृदय में बहुत दुख हुआ मनु जी को कि जन्म गयो हरि भजन बिनु। ये जीवन भगवान के भजन के बिना ही चला जाएगा। इस जीवन को पाकर के मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, भोग में और संसार के सुख में ही मेरा मन अटका रहेगा, क्या करूं? मन संसार से हट ही नहीं रहा है। तो मनु जी ने क्या किया? बोले मनु जी ने कहा मन हटे न हटे, लेकिन तन तो हट सकता है, तन को ही संसार से हम हटाएंगे। और तन से वो जंगल के लिए चल पड़े। देखो मन और तन, ये दोनों साथ में हो तो अच्छा काम होता है। खाली मन हो और तन साथ न दे तब भी आप कोई काम ढंग से नहीं कर पाए, और तन साथ दे लेकिन मन साथ न दे तब भी काम नहीं हो पाए। तो भगवान के भजन में मन नहीं लग रहा है तो क्या करें? बोले तन को ही लगाओ। मन आज नहीं तो कल लगेगा ही। और ये सोचो कि मन भगवान में लगे तभी भजन होगा, बोले ऐसा कभी नहीं हो सकता। मन तो चंचल है, इतना जल्दी ये भगवान में लगने वाला नहीं है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण चंचलम ही मन, ये मन बड़ा चंचल है, ये कब क्या रूप धारण करे इसका कोई ठिकाना नहीं। पल भर में ज्ञानी पल में वियोगी, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये मन अपनी वृत्ति बदलता रहता है, आज कुछ सोचता है कल कुछ सोचता है। इसलिए मन जब भगवान में लगेगा तभी हम भजन करेंगे, ये सोचना गलत है। मन नहीं लगता है फिर भी तन भगवान की सेवा में लगाओ। क्यों? बोले तन लगा रहेगा तो मन कहीं ना कहीं से घूम करके आएगा ही आएगा भगवान के। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि हम तन अपने वश में है उसको हम भगवान की सेवा में लगाना नहीं चाहते, और जो मन अपने वश में नहीं है ऐसे मन को हम वश में करना चाहते। ये तो उसी प्रकार से हुआ जैसे एक महात्मा जी थे, उनके यहां दो भगत आते थे कुटिया पे। एक भगत जी बड़े पैसे वाले थे, महाराज सेठ जी थे, लेकिन बूढ़े थे। और एक जवान भगत आता था,
शरीर से बड़ा हृष्ट पुष्ट था लेकिन पैसे से कमजोर। दोनों आते थे और महाराज जी के चरणों में बैठते थे और सत्संग सुनते थे और बड़ी विनम्रता से दोनों कहते थे, महाराज क्या करें, मन तो बहुत है कि आपकी सेवा करें लेकिन सेवा हो नहीं पाती। महाराज जी ने कहा, क्यों? तो उस हट्टे कट्टे आदमी ने कहा, महाराज मन तो बहुत होता है कि हम आपकी सेवा करें लेकिन भगवान ने धन ही नहीं दिया। महात्मा जी ने सोचा, धन नहीं दिया, ये धन से सेवा करना चाहिए। इसको भगवान ने तन दिया है तो तन से सेवा करना चाहिए, धन नहीं है तो नहीं है। तो जिसको धन दिया है, जिसको तन दिया है, वो धन से सेवा करना चाहता। वो कहता, महाराज भगवान धन दिए होते तो हम आपकी सेवा करते, हमको तो धन ही नहीं दिया। और जिसको धन दिया था वो सेठ जी बूढ़े थे, आकर के बैठते कहते, महाराज मन तो बहुत होता है कि आपकी सेवा करें लेकिन हम बूढ़े अशक्त, शरीर में शक्ति नहीं कि आपकी सेवा कर सके। तो महात्मा जी मन में यही सोचते कि ये दोनों सेवा नहीं करना चाहते। अरे जिसके पास धन है वो धन से सेवा करे, जिसको भगवान ने तन दिया है वो तन से सेवा करे। लेकिन चतुराई क्या है? बोले जिसको धन दिया है वो सोचता हम तन से सेवा करके ही कृतार्थ हो जाएं, और जिसको भगवान ने तन दिया है वो धन के नाम पर बहाना करके सेवा से बच जाता, सेवा नहीं करना चाहता। वही स्थिति है, तन अपने वश में है लेकिन हम तन को भगवान की सेवा में लगाना नहीं चाहते, मन के पीछे भागते, मन भगवान में लगे तब भजन करें। ऐसा नहीं है, भले मन कहीं जाए जाने दो, तन को भगवान की सेवा में लगाओ। माला जप करने में मन नहीं लगता कोई बात नहीं, माला लेकर के 3 घंटे बैठो और भगवान का नाम जपो। महाराज मन कथा में नहीं लगता, बोले न लगे फिर भी जबरदस्ती बैठो, शरीर को बैठाओ, और इस प्रकार जब जोर जबरदस्ती करते रहोगे तो एक दिन मन भी आ जाएगा। कहां जाएगा मन? क्यों? बोले मन तन से ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकता, अंत में लौट करके उस मन को तन में ही आना है। इसलिए तन को भगवान की सेवा में लगाए रहोगे, भगवत भजन में लगाए रहोगे तो एक न एक दिन मन भी लग जाएगा। यही उपाय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अर्जुन अगर मन चंचल है तो चिंता मत करो, अभ्यासेन च कौन्तेय। हे कुंती नंदन अर्जुन, अभ्यासेन च कौन्तेय, बार बार तुम अभ्यास करो, बार बार अपना शरीर भगवान की सेवा में लगाओ, साधना में लगाओ। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, और संसार से थोड़ा वैराग्य रखो, मन भगवान में लगेगा। कहने का तात्पर्य कि मन भगवान में न लगे, संसार से वैराग्य न हो तो ज्यादा परेशान मत हो, शरीर से ही भगवान की सेवा में लगो, एक न एक दिन वैराग्य हो जाएगा। और यही मनुजी महाराज ने किया। हो ही न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयउ हरि भजन बिनु। तो मनुजी ने क्या किया? बोले बरबस राज सुतही तब दीना, जबरदस्ती अपना राज पाठ अपने बेटे को दे दिया। मन नहीं कह रहा था कि राज्य छोड़ें, लेकिन जबरदस्ती बरवश मनु जी महाराज ने राज्य अपने पुत्र को दे दिया। और नारी समेत गवन बन कीना, पत्नी के सहित राज्य छोड़ करके जंगल के लिए चल पड़े। और पहुंचे कहां? बोले तीरथ बर नैमिष विख्याता, विख्यात तीर्थ नैमिषारण्य में पहुंचे। नैमिषारण्य में जाकर के गोमती गंगा में स्नान किया और वहां ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन किया। और सुंदर स्थान देखकर तपस्या का संकल्प किया और मनु सतरूपा दोनों भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए तप करने लगे। तप क्या है? बोले काया क्लेशो तपह, सुख सुविधाओं का त्याग करके भगवान के भजन में, भगवत साधना में जो हम दुख का अनुभव करते हैं यही तप है। काया क्लेशो तपह, इस काया को जो हम क्लेश प्रदान करते हैं यही तप है। भूख लगी है, खाने का मन भी है लेकिन हम व्रत करते हैं यही तप है।
नींद आ रही है लेकिन हम सोते नहीं हैं, उठ करके माला लेकर के जप कर रहे हैं, यही तप है। सुख का त्याग करके दुख सहन करते हुए भगवान के भजन में भक्ति में लगे रहना, यही तप है। मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में तप किया और तपस्या करते हुए द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। द्वादशाक्षर मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र, यही द्वादशाक्षर मंत्र है। इसी मंत्र का मनु और शत्रुपा ने जप प्रारंभ किया। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मन अतिलाग। इसी मंत्र का जप करते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया। करहिं आहार साक फल कंदा, सुमिरहिं ब्रह्म सच्चिदा नंदा, कंद मूल फल इत्यादि सेवन करते हुए सच्चिदानंद भगवान का ध्यान करते हुए द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया और जप करते करते तपस्या करते करते 23,000 वर्ष बीत गए, क्योंकि सतयुग था। सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती है। 23,000 वर्ष तक तप किया और इस तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी आए, भगवान शंकर आए, भगवान विष्णु आए वरदान देने के लिए, लेकिन किसी से कोई वरदान मनु शत्रुपा ने नहीं मांगा। विधि हरिहर तप दे, विधि हरिहर तप देख अपारा, विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मनु समीप आए तप देख अपारा, विधि हरि हर तप देख अपारा। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ये सब मनु की तपस्या को देखकर आए वरदान देने के लिए, वरदान मांगो, लेकिन मनु शत्रुपा जी ने कुछ नहीं मांगा। कुछ प्राप्त करने का जब मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है, वहीं से तपस्या विनष्ट होने लग जाती है। इसलिए मनु शत्रुपा जी ने ब्रह्मा जी से, भगवान शंकर से, भगवान विष्णु से कुछ नहीं मांगा और तपस्या करते रहे। और तपस्या जब उग्र हुई तो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान ने आकाशवाणी, मनु और शत्रुपा की तपस्या से संतुष्ट होकर के भगवान सच्चिदानंद श्री सीता रामचंद्र जी ने आकाशवाणी में कहा, मांगो मांगो पर भई न भवानी, मांगो मांगो पर भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, मांग मांग पर भैरव वाणी, मांग मांग पर भैरव वाणी, मृतक जियावन गिरा सुहाए, मृतक जियावन गिरा सुहाए, श्रवण रंध होई पुर जब आई, श्रवण रंध होई पुर जब आई, विष्ट पोष तन भये सुहाए, विष्ट पोष तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए, मानहु आकाशवाणी में भगवान श्री सीता रामचंद्र जी ने कहा,
कि मांगू मांगू बर भई न भवानी। आकाशवाणी हुई मांगू मांगू बर, मांगो मांगो। भगवान ने दो बार क्यों कहा मांगू मांगू, मांगू मांगू बर। संतों का भाव है कि तपस्या करने वाले दो लोग हैं, एक मनु जी हैं और एक शत्रुपा हैं, इसलिए मानो दोनों के लिए भगवान ने कहा कि मांगू मांगू, आप भी मांगो और आप भी मांग लो। इसलिए दो बार भगवान ने कहा मांगू मांगू। और दूसरा अर्थ क्या है, बोले तपस्या करने वाले दो हैं मनु और शत्रुपा, और वरदान देने वाले कौन हैं, बोले वरदान देने वाले भी दो हैं, कौन, बोले श्री सीता जी और भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री सीता रामचंद्र जुगल सरकार। इसलिए दोनों सरकार ने, दोनों ठाकुरों ने कहा मांगू मांगू, सीता जी ने कहा मांगो, राम जी ने कहा मांगो। मांगो मांगो बर भई न भवानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। परम गंभीर वाणी कृपा अमृत सानी, जो कृपा के अमृत से सनी हुई थी ऐसी वाणी प्रकट हुई। और उस वाणी का प्रभाव क्या था हमारा, श्रवण रंध्र होए उर जब आई। कान के माध्यम से वो भगवान की वाणी मनु और शत्रुपा के हृदय में जब प्रविष्ट हुई, तो उस वाणी का ऐसा अद्भुत प्रभाव कि मनु और शत्रुपा जो 23,000 वर्ष से तप कर रहे थे, शरीर सूख गया था, कृशकाय हो गया था, ऐसे श्री मनु शत्रुपा दोनों स्वस्थ हो गए, जवान हो गए महाराज। और ऐसा लगने लगा कि अभी ही अपने महल से चल करके आ रहे हैं। श्रवण रंध्रो है उर जब आई, और हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानो अब ही भवन ते आए। मानो अभी ही अपने राजमहल से आ रहे हैं। ये भगवान की वाणी का अद्भुत प्रभाव। कैसी भगवान की वाणी, गोस्वामी जी कहते हैं कि मृतक जियावन गिरा सुहाई, जो मुर्दे को भी जिंदा कर दे। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर जब आई। ऐसी भगवान की वाणी को सुनकर के मनु शत्रुपा स्वस्थ और आनंदित हो गए। और भगवान की वाणी को सुनकर के मनु शत्रुपा जी ने कहा प्रभु, आपने अगर वरदान मांगने को कहा है तो हम यही वरदान चाहते हैं कि आपके दिव्य स्वरूप का हमें दर्शन हो जाए। तो मानो भगवान ने कहा किस रूप में मुझे देखना चाहिए, मेरे तो अनेक रूप हैं, भगवान का कोई एक निश्चित रूप नहीं है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान के अनेक रूप हैं लेकिन भगवान एक है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है, भगवान तो एक हैं लेकिन उनके रूप अनेक है। भगवान ने कहा किस रूप में मेरा दर्शन करना चाहते हो, तो मनु शत्रुपा जी ने कहा जो भुसुंडे मन मानस हंसा, जो भुसुंडे मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा, देखूं हम स्वरूप भरि लोचन, देखूं हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रण तारत मोचन, कृपा करहु प्रण तारत मोचन, कृपा करहु प्रण तारत मोचन। श्री मनु शत्रुपा जी ने कहा प्रभो, आपके मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। कौन से रूप का, बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जेहि कारण मुनि जतन कराही। जिस रूप का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा विमलात्मा लोग जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर तक निरंतर निरंतर आयमान यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा
जिस रूप का दर्शन प्राप्त करने के लिए साधन करते रहते हैं, ऐसे रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जेहि कारण मुनि जतन कराही, और जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो काग भुसुंड जी के मन का मानस राज हंस है, उस रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, और सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, आपके जिस रूप को सगुण और निर्गुण के रूप में कह करके श्रुतियां चारों वेद आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके उस रूप का हम दर्शन करना चाहें। सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, तो भगवान ने कहा कितनी देर तक देखना चाहे, एक झलक दिखा दे बस काम हो जाएगा? तो मनु जी ने कहा नहीं नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, जब तक हमारा पेट न भर जाए, हम तृप्त न हो जाएं, तब तक आपके उस रूप का हम दर्शन करना चाहें। देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, भरी लोचन। भगवान ने कहा भरी लोचन, तो आज तक शंकर जी भी मेरे रूप को नहीं देख सके। जे हर ही नयनन निरखे नहीं अघाय, भगवान हर अपने हृदय के नेत्र से आज तक अघा करके मन भर के भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाए। जे हर ही नयनन निरखे नहीं अघाय, तो तुम कैसे अघाओगे? मनु जी कहते नहीं नहीं, देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, हम तो भर लोचन देखना चाहे। भगवान ने कहा ठीक है, दर्शन तो होगा, लेकिन आपको तृप्ति होगी कि नहीं होगी, ये तो आपका विषय है। और बंधुओं, भगवान के दर्शन से, भगवान की कथा से, भगवान के चिंतन से, भगवान की भक्ति से, भगवान के प्रेम से जो तृप्त हो जाए, जिसका पेट भर जाए, वो भगवान को समझ ही नहीं सकता। भगवान को समझने का मतलब क्या है? बोले क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति, जो भगवान प्रति क्षण नवीन प्रतीत तो होते हैं, ये भगवान की विशेषता है। आप किसी व्यक्ति को एक बार देखो, दो बार देखो, तिबारा देखोगे तो लगेगा कहां इनको तो पहले हमने देखा है। लेकिन भगवान की विशेषता क्या है? बोले आप उनका लगातार दर्शन करते रहो, लेकिन हर क्षण आपको यही लगेगा कि हम नए रूप का दर्शन कर रहे हैं। क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति, प्रति क्षण भगवान में नवीनता का अनुभव होता है। इसलिए कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं भगवान का दर्शन करके तृप्त हो गया। क्यों? बोले तृप्ति तब होगी जब दर्शन पूर्ण हो जाए। और भगवान का दर्शन तो कितना भी करो, वो हर क्षण नवीन ही आपको अनुभव होंगे। क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति। इसलिए मनु सद्रूपा जी ने कहा कि देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहुं प्रणता रति मोचन। आप ऐसी कृपा करो कि आपके उस रूप का हम दर्शन कर सकें। और इस प्रकार मनु सद्रूपा जी ने जब प्रार्थना की, तो भगवान श्री सीताराम चंद्र जी जुगल सरकार मनु और सद्रूपा के सामने प्रकट हो गए। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, और विश्ववास प्रगटे भगवान। भक्त वत्सल भगवान मनु और सत्रुपा के सम्मुख प्रगट हो गए। कैसी अद्भुत झांकी है! जुगल सरकार श्री सीताराम चंद्र जी, नीलमणि के समान भगवान के श्री अंग की कांति, और पोखराज मणि के समान, सुवर्ण के समान श्री जानकी जी की कांति। ऐसे जुगल सरकार, नील सरोरुह नीलमणि, नील नील धरधाम, लाज ही तन शोभा निरख कोटि कोटि शतकाम, करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन कर देने वाले, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम चंद्र जी मनु और सत्रुपा के सामने प्रकट हो गए। और मनु सत्रुपा जी ने भगवान श्री सीताराम चंद्र जी को प्रणाम किया। भगवान की बांकी झांकी का दर्शन करके परमानंद में विभोर हो गए। और भगवान ने कहा अब मांगो, क्या चाहिए? वरदान मांगो, मेरा दर्शन अमोघ है, क्या चाहिए मांगो। भगवान ने जब मांगने को कहा,
तो मनु सतरूपा जी सोचने लगे क्या मांगे। मनु जी तो मांगना चाहते थे, क्या मांगना चाहते थे? मनु जी सोचने लगे ये इतने सुंदर हैं, इतने कमनीय हैं, ये मेरा मेरे बेटा बन जाते, इनको मैं अपना पुत्र बना लेता तो कितना अच्छा होता। लेकिन संकोच लगने लगाया। मनु जी सोचने लगे अरे ये तो सारे जगत के पिता हैं, और सारे जगत के पिता को, परम पिता को मैं अपना पुत्र बनाना चाहता हूं, परम पिता का मैं पिता बनना चाहता हूं। लेकिन ये भावना हृदय में आई है तो छिपाने से काम नहीं चलेगा, ठाकुर से कहना ही पड़ेगा। संकोच लगने लगा कि कैसे कहूं भगवान से, किस प्रकार से? बोले जैसे यथा दरिद्र विभूत तरु पाई, यथा दरिद्र विभूत तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सब जाई, बहु संपत्ति मागत सब जाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, यथा दरिद्र विभूत तरु पाई, यथा दरिद्र विभूत तरु पाई। किस प्रकार से संकोच लगने लगा? जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए, विबुध तर उपाई, कल्प वृक्ष के नीचे जाए दरिद्र आदमी तो डरेगा कितना मांगे, और डरते डरते बहुत हिम्मत करेगा तो यही कहेगा हे कल्प वृक्ष 10 रुपए दे दो। क्यों? बोले उसकी दरिद्रता उसे रोक देगी, कल्प वृक्ष को पा करके भी वो मांगने में संकुचित तो हो जाएगा, और भगवान ही तो कल्प वृक्ष हैं। ऐसे कल्प वृक्ष को पा करके मनु जी को संकोच होने लगा, कैसे मांगूं, कैसे मैं इनसे कहूं। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, और बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। संकोच हुआ, और संकोच करते करते मनु जी ने कहा कि प्रभो कहने का मन तो कह रहा है लेकिन मैं कैसे कहूं, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो मेरे मन की जान रहे हो, इसलिए आप जान लो मेरे मन में क्या है। सो तुम जानो हूं, सो तुम जानो हूं अंतर्यामी, सो तुम जानो हूं अंतर्यामी, पूर्वहु कहा आप तो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी का मतलब यह मत समझना कि जो मन की बात जान ले वही अंतर्यामी। सामान्यतया अंतर्यामी शब्द का अर्थ हम लोग यही समझते हैं कि जो आपके मन की जान ले वो अंतर्यामी। लोग कहते हैं महाराज ये तो बड़े अंतर्यामी हैं, सब जान जाते हैं, लेकिन अंतर्यामी का यह शाब्दिक अर्थ नहीं। अंतर्यामी का मतलब है यो अंतरतो यमयति, जो हमारे अंदर में बैठ करके हमारे ऊपर शासन करता है उसको कहते हैं अंतर्यामी। अंतरतो यमयति शासयति, जो हमारे अंदर बैठ करके हमारा शासन करता है, हमारा नियमन करता है, उसको कहते हैं अंतर्यामी। और ये भगवान का अंतर्यामी नाम कब से पड़ा? बोले वेदों में
एक भाग है, एक पार्ट है, जिसका नाम है अंतर्यामी ब्राह्मण। छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में आप पढ़ें अंतर्यामी ब्राह्मण। उस अंतर्यामी ब्राह्मण प्रसंग में यही कहा गया है कि वो भगवान सबके अंदर बैठ करके सबका शासन करते हैं, इसलिए उनका नाम अंतर्यामी है। किस प्रकार से? बोले यो अंतरतो आत्मानं यमयति। उपनिषद कहता है कि यो अंतरतो आत्मानं यमयति, जो हमारी आत्मा में बैठ करके हमारी आत्मा पर शासन करता है। यो अंतरतो आत्मानं यमयति, यम आत्मान वेद, जिसको हमारी आत्मा जान नहीं पाती। सच अंतर्याम्यमृतः, वही अंतर्यामी परमात्मा अमृत तत्व है, जो आत्मा की भी आत्मा बन करके प्रतिष्ठित है। किस प्रकार से? और केवल आत्मा में ही नहीं, कण कण में, जड़ में, चेतन में, समस्त आत्माओं में, समस्त वस्तुओं में परमात्मा बैठ करके उसका नियमन कर रहा है, इसीलिए उसका नाम अंतर्यामी है। सारी सृष्टि को भगवान अपनी माया के द्वारा प्रकट करते हैं, और प्रकट करने के बाद समस्त सृष्टि के एक एक परमाणु में भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं। वेद कहता है कि तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। श्रीमद् रामचरितमानस के पंक्तियों का अर्थ समझने के लिए वेद, पुराण, उपनिषद सभी ग्रंथों का आलोडन करना पड़ेगा, क्योंकि गोस्वामी जी ने इसकी कुंजी पहले ही बता दी है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद् रामायणे निगदितम। नाना पुराण निगम आगम सम्मत बातों को ही तो गोस्वामी जी ने लिखा है, लेकिन कहां का प्रसंग कैसे लिखा है, जब उन सारे ग्रंथों का चिंतन करेंगे तब गोस्वामी जी के एक एक शब्दों का विशेष भाव प्रकट होगा। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं सो तुम जानहु अंतर्यामी, तो वो अंतर्यामी परमात्मा कौन है? बोले जिसने सारी सृष्टि को प्रकट करके तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सच्च तच्चाभवत्, समस्त सृष्टि को उत्पन्न करके वो परमात्मा उस सृष्टि में प्रवेश कर गया, और सृष्टि में प्रवेश करके वही परमात्मा सत और असत के रूप में सर्वत्र व्याप्त हो गया। उसी परमात्मा का नाम अंतर्यामी है, जो हमारी आत्मा में, आपकी आत्मा में, समस्त वस्तुओं में व्याप्त है, वो अंतर्यामी। तो अंतर्यामी का मतलब सबके अंदर बैठ करके जो सबका शासन कर रहा है। यो पृथिव्यो अंतरतो यमयति, जो पृथ्वी के अंतर बैठ करके पृथ्वी का भी शासन कर रहा है, जो आकाश में, अग्नि में, समस्त तत्वों में विद्यमान है। तो श्री मनु जी महाराज कहते हैं आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो सब पता ही है, क्योंकि आप भीतर बैठे हो और भीतर में क्या चल रहा है वो तो आपको मालूम है। सो तुम जानहु अंतर्यामी और पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, मेरे मनोरथ को आप पूर्ण करो। तो भगवान भी बड़े कौतुकी, भगवान ने कहा बताओ क्या मनोरथ है। मनु जी ने कहा हमें संकोच लग रहा, मैं कैसे कहूं। तो भगवान ने कहा संकोच छोड़ करके मांगो, तुम मुझे मांगना चाहते हो ना, तुम मुझे पुत्र रूप में चाहते हो ना, तो संकोच छोड़ो और संकोच छोड़ करके मुझको तुम मांग लो। सकुच बिहाई मांग नृप मोही, सकुच बिहाई मांग नृप मोही, मोने कहीं अदे कछुतो मोरे नहीं अरे कछुतो ही। सकुच बिहारी मांग नृप मोही, 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 सकुच बिहारी मांग नृप मोही।
भगवान ने कहा संकोच छोड़ करके मांग लो। मनु जी ने कहा हमको संकोच लग रहा है, हम आपसे अतिरिक्त कुछ नहीं मांग रहे, हम आपको ही मांगना चाहते। बंधुओं कितना सुंदर संकेत, भगवान की भक्ति करो और भक्ति करने के बाद भगवान से कुछ न मांगो, और अगर मांगने का मन करे तो क्या मांगो, बोले भगवान से मत मांगो, भगवान से भगवान को ही मांगो। ये संकेत है। मनु जी ने भगवान से धन नहीं मांगा, मनु जी ने भगवान से तन नहीं मांगा, मनु जी ने भगवान से राज्य संपत्ति नहीं मांगी, तब क्या मांगा, बोले भगवान से भगवान को मांगा। बोले भगवान को कौन दे सकता है, बोले भगवान को भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि भगवान ही साधन है और भगवान ही साध्य है, भगवान ही साधन साध्य दोनों हैं। यही उत्तम भक्ति है, इसी को उत्तम भक्ति कहते हैं। भक्ति भी तीन प्रकार की होती है, उत्तम, मध्यम और अधम, थर्ड क्लास की। तीनों भक्ति में भेद क्या है, अधम भक्ति क्या है, नीचे से शुरू करते हैं। अधम भक्ति का लक्षण क्या है, बोले अन्योपायो विष्णु फलः सोधम परिकीर्तितः। भगवान को साधन बना करके संसार की साध्य वस्तुओं को प्राप्त करना, ये भगवान की अधम भक्ति है। जो लोग भगवान की भक्ति करते हुए भगवान से संसार की वस्तुओं को मांग रहे हैं, वो भगवान के भक्त तो हैं, लेकिन थर्ड क्लास के भक्त हैं, अधम भक्त हैं। अधम क्यों है, बोले साधन तो इन्होंने बनाया किसको, बोले भगवान को। अविनाशी को साधन बना करके साध्य क्या बनाया, बोले विनाशवान पदार्थ। भगवान से आप कुछ भी मांगोगे, बेटा बेटी घर परिवार धन संपत्ति, ये सब एक दिन खत्म होगा। क्यों, बोले ये सब समाप्त होने वाले अनित्य पदार्थ हैं, और ये सारे अनित्य पदार्थ आप मांग किससे रहे हो, बोले नित्य परमात्मा से। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, जो नित्य का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है, ऐसे नित्य परमात्मा से अनित्य वस्तुओं को मांगना ये अधम भक्ति है। विष्णु उपायो हन्य फलः सोधमः परिकीर्तितः, ये तो उसी प्रकार से है कि सोना देकर के मट्टी लेना। मूर्ख व्यापारी का तो यही काम होगा कि सोना देकर के मट्टी लेगा। भगवान की भक्ति करके और भगवान से मांग क्या रहे हो, बोले ऐसी वस्तु जो वस्तु चार दिनों में खत्म होने वाली है। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, भले वो वस्तु न खत्म हो लेकिन एक दिन तुम ही खत्म हो जाओगे, उसका भोग नहीं कर पाओगे। कुछ भी मांग लो, सारी दुनिया तुम भगवान से मांग लो, लेकिन फिर भी ये दुनिया तुम्हारी नहीं रहेगी। क्यों, बोले हम रहेंगे, बोले तुम ही नहीं रहोगे, कब तक रहोगे, 100 वर्ष बाद तो तुम ही मर जाओगे, फिर ये तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पास नहीं रहेगी, इसे छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान से कुछ मांगने वाला व्यक्ति थर्ड क्लास का भक्त। अब थोड़े ऊपर क्लास में चलते हैं, मध्यम भक्त कौन है, बोले अन्योपायो विष्णु फलः स मध्यम परिकीर्तितः। अन्य उपाय के द्वारा भगवान को प्राप्त करना, भगवान को चाहना, ये मध्यम भक्ति है। ये मध्यम भक्ति क्या है, बोले हम शंकर जी का भजन करें और शंकर जी से कहें हे शंकर भगवान आप कृपा करो मुझे राम जी मिल जाएं। हम देवी दुर्गा का भजन करें और देवी दुर्गा से कहें दुर्गा आप कृपा करो मुझे राम जी मिल जाएं, ये मध्यम भक्ति है। हनुमान जी का भजन करें और हनुमान जी से कहें आप मुझे राम जी का दर्शन करा दो। क्यों, बोले राम दुआरे तुम रखवारे, आप ही राम के दरवाजे के द्वारपाल हो, आप कृपा करो मुझे राम जी मिल जाएं। बोले भक्ति तो बढ़िया है और फल भी तुम्हारा उत्तम है, लेकिन फल उत्तम हो गया और साधन उत्तम से नीचे हो गया, निम्न हो गया। देखो साधन और साध्य जब दोनों एक कोटि के होंगे तभी उत्तम भक्ति होगी। भगवान को साधन बनाया और संसार को साध्य बनाया, भगवान सर्वोत्तम और संसार निम्नतर, साधन साध्य में समानांतर नहीं हुआ, समानता नहीं हुई, इसलिए यह भक्ति अधम हो गई।
भगवान उत्तम भगवान को चाह रहे हो, लेकिन साधन किसको बनाया? बोले अन्य देवताओं को तुमने साधन बनाया। ये अन्य देवता भगवान से निम्न हैं, फिर यहाँ पर भेद उत्पन्न हो गया साधन साध्य में। इसलिए ये भक्ति नीचे वाली भक्ति से तो अच्छी है, लेकिन मध्यम है, उत्तम नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में मध्यम भक्ति से शुरुआत की। विनय पत्रिका में सबसे पहले गणेश जी की वंदना की, और गणेश जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी प्रार्थना तो गणेश जी की करते हैं, गाइए गणपति जगवंदन। और उस प्रार्थना के अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, हे गणपति, आप कृपा करो, मुझे राम जी के चरणों की भक्ति मिल जाए। मैं भक्ति तो आपकी कर रहा हूं, गोस्वामी जी कहते हैं, हे गणपति, भक्ति तो मैं आपकी कर रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय में आप मत बैठना, मेरे हृदय में राम जी बैठ जाए, ऐसी कृपा करना। ये मध्यम भक्ति। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, गणेश जी का गुण, भक्ति की गणेश जी की। लेकिन गणेश जी से कहते क्या है? बोले बसहीं राम ही अमानस मोरे, राम जी मेरे हृदय में बसे, आप मत बसना इतनी बड़ी सूंड लेकर के, आप तो बाहर ही रहना, आप तो कृपा करो बस राम जी हृदय में आ जाएं। ये समझने की बात है, ये मध्यम भक्ति है। और आगे शिव जी से प्रार्थना की, भैरव से प्रार्थना की, देवी की प्रार्थना की, और सर्वत्र गण भगवान गोस्वामी जी ने यही कहा कि राम जी की भक्ति मुझे मिल जाए। लेकिन आगे चल करके गोस्वामी जी ने उत्तम भक्ति का पद गाया। उत्तम भक्ति का पद क्या गाया? आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि अब लो नसानी अब ना नसई हो, अभी तक हम भटके थे अब नहीं भटकेंगे, अब लौ नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निसा सिरानी और जागे पुनि न डसई हो। अब तो राम जी की कृपा हो गई, हम जाग गए। बोले अब कैसी भक्ति आ गई? बोले अब उत्तम भक्ति आ गई। अब गोस्वामी जी कहते हैं कु रुकी हो नयन बिलोकत और ही शीश ईश ही नहीं हो, अब तो आंखों से किसी और को हम देखेंगे नहीं, भगवान को ही देखेंगे। रुकी हो नैन विलोकत और ही शीश ईश ही नहीं हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, अब कान से किसी और की हम कथा नहीं सुनेंगे, ये मेरी जिह्वा किसी और का गुणगान नहीं करेगी। बोले तब, बोले जान की जीवन की बलि जई हो, अब तो जान की जीवन भगवान श्री राम के चरणों में ही अपने मन को लगाएंगे। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान से ही प्रार्थना करना, यही उत्तम भक्ति। भगवान ही साधन और भगवान ही साध्य, साधन साध्य राम पद नेहु, भगवान के चरण ही साधन है और भगवान के चरण ही साध्य। माधवांग्रि द्वयोपायो माधवांग्रि प्रयोजनम, भगवान के चरण ही प्रयोजन है और भगवान के चरण ही प्रयोज्य हैं, यही उत्तम भक्ति है। इसीलिए मनु जी ने भगवान से भगवान को मांगा। मनु जी कहते हैं कि मैं आपको चाहता हूं, आपसे नहीं चाहता हूं, आपको चाहता हूं, लेकिन संकोच लग रहा है कैसे मांगे। तो भगवान ने कहा सकुच बिहाई मांग नृपमोही, संकोच छोड़ करके मुझे मांग लो। और
भगवान के कहने पर मनु जी ने संकोच छोड़ा, लेकिन पूरा संकोच नहीं छूट पाया। मांगने तो चले और मनु जी ने कहा कि चाहो तुम ही समान सुत, आपके समान मैं पुत्र चाहता हूं। चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। मन में तो मनु जी चाहते थे कि यही मेरे पुत्र बन जाए, लेकिन वाणी से क्या निकला, बोले चाहो तुम ही समान, आपके समान। मन कहता है आप पुत्र बन जाओ, लेकिन वाणी कहती है आपके समान पुत्र चाहिए। ये अंतर क्यों हो गया, मन वाणी में भेद क्यों हो गया? बोले संकोच बीच में आ गया, इसलिए मनु जी ने कह दिया आपके समान पुत्र चाहिए। लेकिन फिर मनु जी संभल गए और मनु जी ने कहा कि मैंने मुंह से जो कहा सो तो कहा, लेकिन मन की बात तो आप जान रहे हो। प्रभु सन कवन दुराव, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है, आपको सब मालूम है, इसलिए मेरा मन जो चाहता है ऐसी कृपा आप करो। भगवान ने कहा ठीक है। ठाकुर जी ने कहा कि अपने समान में पुत्र ढूंढने कहां जाऊं, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। देखो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान एक काम नहीं कर सकते। बोले क्या नहीं कर सकते? भगवान सब कर सकते हैं, लेकिन अपने समान दूसरा भगवान कहां से लाऊं, क्योंकि भगवान तो एक ही। भगवान से अगर कोई कहे कि प्रभु आप अपने जैसा कोई दूसरा भगवान ला दो मुझे, भगवान कहेंगे असंभव, ये नहीं हो सकता। क्यों? बोले भगवान तो एक होते हैं, दो होते ही नहीं। जब दूसरी वस्तु है ही नहीं है उस समान, उनके समान, तो लावे कहां से? इसलिए भगवान ने कहा आप शरीर से खो जाऊं कहां जाई, आप शरीर से खो जाऊं कहां जाई, नप तब तरै भोग में आई, नप तब तरै भोग में आई, आप शरीर से खो जाऊं कहां जाई, आप शरीर से खो जाऊं कहां जाई, आप शरीर से खो जाऊं कहां जाई। भगवान ने कहा आप शरीर खो जाऊं कहां जाई, अपने समान में ढूंढने कहां जाऊं, और ढूंढने जाऊं भी तो कहां कौन मिलने वाला है, इसलिए नृपतव तनय होब मैं आई, मैं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। लेकिन भगवान कितने उदार हैं, हो उदार का मतलब, बोले जो पात्रा पात्र का विचार किए बिना देता हो उसको उदार कहते। उदार का मतलब बोले सामने वाला एक मांगे और व्यक्ति दो दे, इसका नाम उदार। उत्कृष्टम राति ददाती ति उदारः, जो उत्कृष्ट देता हो, विशिष्ट दान देता हो, उसको कहते हैं उदार। और उदार शब्द का दूसरा अर्थ यह भी है, पात्रा पात्र का विचार किए बिना जो देता है उसको कहते हैं। ये विचार न करे कि ये इसका पात्र है कि नहीं, वो व्यक्ति उदार है। एक सेठ जी बड़े उदार, सवेरे सवेरे दान कर रहे थे, लाइन लगी थी, लोग आ रहे थे, सबको वस्त्र दान कर रहे थे। एक कोई दरिद्र आदमी था, एक बार लिया उसको संतोष नहीं हुआ, दोबारा फिर लाइन में लग गया, और जब सेठ जी के सामने पहुंचा तो सेठ जी ने पहचान लिया और उसे डांटा, एक बार ले गए फिर आए लेने के लिए, भाग जाओ। बोले उदारता खत्म हो गई, उसकी पात्रता पर तुमने विचार कर लिया कि ये लेने का अधिकारी है कि नहीं है, बस उदारता खत्म। लेने वाले व्यक्ति की पात्रता और अपात्रता पर विचार किए बिना जो देता है उसको कहते हैं उदार। इसलिए उदार होना इतना सरल नहीं है, उदार तो केवल भगवान है। भगवान का औदार्य तो अद्भुत है। कितने उदार हैं? मनु जी ने कहा कि आपके समान पुत्र चाहता हूं, यह मनु जी की वाणी ने कहा। और मनु जी के मन ने क्या कहा? बोले मनु जी के मन ने कहा मैं आपको पुत्र चाहता हूं।
लेकिन भगवान कितने उदार हैं कि भगवान ने मनु के मन को भी रखा और मनु के वाणी को भी रखा। मन को इस प्रकार रखा कि मनु जी मन में चाहते थे कि भगवान मेरे पुत्र हो जाएं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। इसलिए भगवान राम रूप में उनके पुत्र बन करके आए। और मनु जी ने वाणी से कहा था कि आपके समान मुझे पुत्र चाहिए, तो अपने ही समान एक दूसरा पुत्र भी भगवान ने दिया। कौन? बोले श्री भरत जी महाराज। भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लखी न सकई नर नारी। क्योंकि मनु जी ही तो दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए, तो तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान इनके पुत्र बन करके आए और अपने ही समान एक रूप से भगवान भरत के रूप में आए, क्योंकि भगवान के समान पुत्र चाहिए, ऐसा भी मनु जी ने कहा था। तो दोनों वचनों को भगवान ने पूरा किया, मन की बात को भी और वाणी को भी। यही भगवान का औदार्य है, यही भगवान की उदारता है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं पुत्र बनकर के आऊंगा, इसके अतिरिक्त और जो मांगना है मांगो। मनु जी ने कहा और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने शत्रुपा जी से कहा मां आप मांगो, आपको क्या चाहिए? तो शत्रुपा जी ने कहा कि जे निज भगत नाथ तव अहि, जो आपके भक्त हैं और आपके भक्तों को जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है आपकी भक्ति में, वो मुझे प्राप्त हो। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करी देहु। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। मनु शत्रुपा को आशीर्वाद देकर के, वरदान देकर के भगवान अंतर्धान हुए। और जाते जाते भगवान ने कहा कि अभी आप स्वर्ग में जाकर के सुख का अनुभव करो, और समय आने पर आप अयोध्या में श्री दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट होगे, तब मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने मनु शत्रुपा को आदेश दिया, और वही मनु शत्रुपा जी बहुत दिनों तक स्वर्ग में रह करके सुख का भोग करते हैं, और समय आने पर त्रेता युग में वही मनु जी महाराज श्री दशरथ जी के रूप में प्रकट हुए, और शत्रुपा जी कौशल्या के रूप में प्रकट हुई, जिनके घर भगवान श्री राम पुत्र बन करके आए। यह भगवान के अवतार का एक प्रयोजन है इस कल्प में। और एक प्रयोजन बताते हुए भगवान शंकर ने प्रताप भानु राजा की कथा सुनाई कि प्रताप भानु राजा ब्राह्मणों के शाप से असुर बना, और उसके उद्धार के लिए भगवान अवतरित हुए, और रावण के रूप में प्रताप भानु राजा जब प्रकट हुआ तो रावण के आतंक से सारी पृथ्वी व्याकुल हो गई। रावण ने चारों तरफ अधर्म का विस्तार किया, सारे देवता रावण के आतंक से त्रस्त हो गए और सब भाग भाग करके गुफाओं में जाकर के छिप गए, क्योंकि रावण ने स्वर्ग से देवताओं को खदेड़ दिया। महाराज बोले देवताओं के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई? बोले देखो ये देवता जो है ना, ये कोई और नहीं है, ये अलग नहीं है, हमारे आपके समान ये देवता भी जीव हैं। पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में देवता बन करके बैठे हैं। आप ज्यादा पुण्य करो तो स्वर्ग जाओ, और स्वर्ग में जो रहता है वो सब देवता ही होता है। स्वर्ग में रहने वाले सभी देवता कहलाते हैं। और जिस तरह यहां कितनी जनसंख्या है इसका कोई ठिकाना नहीं, उसी तरह स्वर्ग में भी बहुत जनसंख्या है। जितने पुण्यात्मा स्वर्ग में जाते हैं वो देवता ही बन करके रहे, तो ये देवता भी हमारे आपके जैसे जीव हैं। पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में देवता बन गए। ओहा, देवता लोग स्वर्ग छोड़ छोड़ करके भागे और जाकर के पर्वत की कंदराओं में छिप गए प्राण बचाने के लिए। रावण ने सांप को खदेड़ दिया। ये देवताओं के ऊपर विपत्ति क्यों आई? बोले विपत्ति का कारण है जब हम भगवान को भूल जाते हैं तभी हमारे ऊपर विपत्ति आती है। विपत्ति और संपत्ति की वास्तविक परिभाषा क्या है ये जान लें आप। विपत्ति और संपत्ति की वास्तविक परिभाषा यह है कि भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान को याद रखना यही सबसे बड़ी संपत्ति है।
कहे हनुमंते विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंते विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कहे हनुमंते विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंते विपति प्रभु सोई। विपत्ति क्या है? बोले कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति वही है जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान का भजन बंद हो जाए, भगवान का सुमिरन बंद हो जाए, समझ लो विपत्ति आने वाली है। भले धन संपत्ति वैभव मिल जाए, लेकिन वो धन संपत्ति ही तुम्हारे लिए विपत्ति बन जाएगी, क्योंकि तुम भगवान को भूल चुके। भगवान को भूलना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान को याद रखना यही सबसे बड़ी संपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णोः, भगवान को भूलना ही विपत्ति है। और संपन्न नारायण स्मृति ही, और भगवान को याद रखना यही सबसे बड़ी संपत्ति है। और जो विपत्ति और संपत्ति जिसको हम समझते हैं, यथार्थ में वो विपत्ति संपत्ति नहीं है। ये बात किसने कही है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण में कुंती जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, प्रथम स्कंद में, ओ द्वितीय स्कंद में। श्री कुंती जी भगवान की स्तुति करती हुई कहती हैं कि विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरोः। हे जगद्गुरु, भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं, हे जगद्गुरु, विपत्ति क्या है? आपको भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। भगवान जब द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे तो कुंती बुआ सामने खड़ी थी। भगवान ने कहा, बुआ अब मैं द्वारिका जा रहा हूं। कुंती रोने लगी महाराज। कुंती के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान अब हमें छोड़ करके जा रहे। कुंती को रोते देख करके भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, बुआ जी अब आपके आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं, आप क्यों रो रही हैं? अब तो आपके बेटों की विपत्ति दूर हो गई, सारे शत्रु समाप्त हो गए, आपके पुत्र युधिष्ठिर का एक छत्र राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो गया, आपके पुत्रों की महाभारत युद्ध में विजय हो गई, अब तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। ऐसी प्रसन्नता की वेला में आपके आंखों में आंसू? कुंती जी ने कहा, यह प्रसन्नता का विषय नहीं, इसे दुनिया संपत्ति समझती हो, लेकिन मुझे यह संपत्ति नहीं दिखाई पड़ती। कृष्ण, जब हमारे ऊपर विपत्ति आई थी, हम जंगल जंगल भटक रहे थे, तब आप मेरे साथ थे, और आज जब ये संसार की संपत्ति आई तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, और आप छोड़ करके चले जाओगे, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। आपको भूल जाना, आपसे दूर हो जाना, इससे बड़ी और कोई विपत्ति नहीं हो सकती। ये संपत्ति संपत्ति नहीं है, ये विपत्ति विपत्ति नहीं है। यथार्थ में भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान को याद रख